शाहरुख खान की फिल्म पठान कल बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है। फिल्म के पहले टीजर से शुरू हुए बायकॉट ट्रेंड, फिर बेशरम रंग गाने में दीपिका की भगवा बिकनी पर विवाद ने फिल्म को खूब सुर्खियों में रखा। पहली बार ऐसा हुआ कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने अपनी किसी फिल्म के प्रमोशन में हिस्सा नहीं लिया। दोनों एक्टर्स ने ना तो मीडिया को इंटरव्यू दिए, न ही टीवी चैनल्स के किसी शो में पठान को प्रमोट करते दिखे। सारे विवाद और बायकॉट के बीच 20 जनवरी से पठान की एडवांस बुकिंग शुरू हुई। इसका जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। पहले ही दिन फिल्म के 1,71,000 टिकट बुक हुए। 23 जनवरी की शाम तक यह आंकड़ा 3.5 लाख के आसपास पहुंच गया। एडवांस बुकिंग के मामले में पठान सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन गई है। इसके आगे केवल KGF 2 है, जिसके 5 लाख से ज्यादा एडवांस टिकट बुक हुए थे। मुंबई में शाहरुख के एक फैन ने 25 जनवरी के पहले शो के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया है। इसके टिकट एसिड सर्वाइवर लड़कियों और शाहरुख के फैंस को बांटे जाएंगे। इसी बीच ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा अपडेट भी दिया है कि पठान की रिलीज के साथ देश भर के 25 ऐसे सिंगल स्क्रीन थिएटर दोबारा शुरू हो रहे हैं जो कोरोना काल में बंद हो गए थे। फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, ये तो अगले 4 से 5 दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह पठान की एडवांस बुकिंग हुई है, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि लंबे समय बाद किसी बॉलीवुड फिल्म को बम्पर ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। ट्रेड एनालिस्ट का अनुमान है कि पठान के पहले दिन की कमाई 45 करोड़ के आसपास हो सकती है। पहले 2 से 3 दिनों में फिल्म 100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा छू लेगी। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।